आज की रेसिपी है गेहूं के आटे की पिठी के लड्डू। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं बना रही हूँ पिठी के लड्डू। ये गेहूं के आटे की पिठी मैंने घर पे बनाई है। ये आधा किलो पिठी है, 3 पाव शक्कर बारीक पिसी हुई, 1 बड़ी कटोरी देसी घी, थोड़ी सी इलायची। इसमें डालूंगी मैं कढ़ाई में घी। घी अपन अच्छी तरह से मेल्ट होने देती हूँ। अपना घी गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी मैं पीठी। पीठी मीन्स मैदा। अभी अपना मैदा पीठी घी में अच्छी तरह से भुन्नी हो गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी अपनी पीठी निकाल ली है मैंने घी में भुनी हुई, इसमें डालूंगी मैं थोड़ी थोड़ी सी बारीक पिसी हुई शक्कर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं अपनी इलायची और ये लोटे की सहायता से अच्छी तरह से इसे मसल मसल के मिक्स करेंगे। लोटे की सहायता से मैं इसे अच्छी तरह से मसल लूंगी ताकि तो थोड़ा बहुत ऊपर घी आ जाए। अभी अपने लड्डू का मिश्रण अच्छी तरह से लोटे से मसलना हो गया है। अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। आप देख सकते हो उसका डो बन रहा है अच्छी तरह से। ये देखिए अपना लड्डू आसानी से बनकर तैयार हो गया है। अपने लड्डू बनकर तैयार है। अगर मेरे लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।